जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। मैं सौरभ और आप देख रहे हैं सोरिक मोटो वर्ल्ड। और गाइस मेरे पीछे आप देख पा रहे हो, दिस इज़ अ ब्रांड न्यू 2022 बजाज सिटी 110X। और इसका वॉकअराउंड जो है ऑलरेडी आपको चैनल पे दिख जाएगा, आई बटन से आप लिंक क्लिक करके आप जरूर इसका वॉकअराउंड देख सकते हो। 2022 में इसमें आपको नया अपडेट भी देखने को मिल रहा है, तो वॉकअराउंड के थ्रू आप जान सकते हो। बाकी आज का जो वीडियो है बेसिकली फिनेंस के ऊपर है। इस बाइक को लेने के लिए आपको कितना मिनिमम डाउन पेमेंट करना पड़ेगा और एकदम लो से लो इंटरेस्ट पे आपको इस बाइक को लेने के लिए कितना डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, क्या डॉक्यूमेंट वगैरह लगेगा। और इसमें जो है बहुत सारा स्पेशल स्कीम भी मैं आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ। 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको ये बाइक मिल सकता है, उसके बाद 6.55% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी मिल सकता है, 9% पे भी मिल सकता है। तो सब कुछ डिटेल में आपको अगर जानना है पूरा वीडियो जो है आप लोग पूरा लास्ट तक देखो। और वेरी स्पेशल थैंक्स टू रोल्टा बजाज कोलकाता। आप अगर वेस्ट बंगाल के रहने वाले हो तो डेफिनेटली आप रोल्टा बजाज कोलकाता में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। शोरूम का ऑल डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं। ओके, तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस बाइक का प्राइस बता देता हूँ। 82,510 रुपीज़ कोलकाता ऑन रोड प्राइस। आपका स्टेट में इसका ऑन रोड प्राइस जानना तो आप जरूर नीचे कमेंट कर सकते हो। और इसका अपडेट वगैरह आपको अगर जानना है तो आप जरूर इसका वॉकअराउंड जो है आई बटन से आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप जरूर चेकआउट कर सकते हो। तो अभी आते हैं इसको लेने के लिए आपको कितना मिनिमम डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, मतलब एकदम लोएस्ट डाउन पेमेंट कितना करना पड़ेगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो इसका एकदम मिनिमम जो डाउन पेमेंट है वो है 16,390 रुपीज़ अप्रॉक्स, लगभग 16,400 रुपये आप अगर डाउन पेमेंट करते हो इस बाइक को कोई भी बंदा ले सकता है। इसके लिए कोई भी ITR फाइल या फिर सैलरी स्लिप वगैरह नहीं लगेगा। ओनली 16,400 रुपीज़ अप्रॉक्स आप अगर डाउन पेमेंट करते हो तो इसको आप फाइनेंस पे ले सकते हो। तो 36 महीने के लिए आप लोग अगर लेंगे तो लगभग 2,700 रुपीज़ अप्रॉक्स आपको 3 साल के लिए हर महीना EMI आने वाला है। और आप अगर 30 महीने के लिए लेंगे तो 3,050 रुपीज़ अप्रॉक्स आपको हर महीना EMI आने वाला है 30 महीने तक। आप अगर 2 साल के लिए लेंगे यानी 24 महीने के लिए लेंगे तो उसके लिए आपका जो EMI आएगा 3,600 रुपीज़ अप्रॉक्स आपको 2 साल के लिए हर महीना EMI आने वाला है। और इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ये बाइक को आपको एकदम मिनिमम डाउन पेमेंट पे मिल जाएगा। ओके, इसके बाद मैं मेंशन कर रहा हूँ आपको अगर 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेना है तो उसके लिए आपको कितना मिनिमम डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। तो मिनिमम डाउन पेमेंट जो है लगभग आप अगर 25,120 रुपीज़ अप्रॉक्स आप अगर डाउन पेमेंट करते हो, लगभग 25,000 आप अगर डाउन पेमेंट करते हो तो आपका मंथली जो EMI आएगा 3 साल के लिए बता रहा हूँ 2,300 रुपीज़ अप्रॉक्स आपको हर महीना 3 साल के लिए हर महीना EMI आने वाला है। और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको ये मिल जाएगा। और 9% के ऊपर और एक मैं डाउन पेमेंट बता रहा हूँ वह है 28,000 आप अगर अप्रॉक्स डाउन पेमेंट करते हो 36 महीने के लिए। पहले बता रहा हूँ 2,165 रुपीज़ अप्रॉक्स आपको 36 महीने के लिए हर महीने EMI आने वाला है। आप अगर 30 महीने के लिए लेंगे तो 2,500 रुपीज़ अप्रॉक्स आपको 30 महीने के लिए हर महीने EMI आने वाला है। और आप अगर 2 साल के लिए लेंगे यानी 24 महीने के लिए लेंगे तो नियर अबाउट आपका 3,000 हर महीना EMI आने वाला है 24 महीने के लिए यानी 2 साल के लिए। और इसका भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट। अभी मैं आप लोगों को जो फिनेंस स्कीम बताने जा रहा हूँ वो है एकदम 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब आपको कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह नहीं लगेगा। सिर्फ उसका जो प्रोसेसिंग फ़ी है, तो प्रोसेसिंग फ़ी वगैरह जो चार्जेस है सिर्फ वो लगेगा। और वो कितना लगेगा वो भी मैं वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूंगा कितना आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल डाउन पेमेंट जो करना पड़ेगा वो है लगभग 59,000 के आसपास आपको डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। 0% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है मिनिमम 6 महीने के लिए आप ले सकते हो, मैक्सिमम जो है 12 मंथ, मतलब 1 साल के लिए आप ले सकते हैं। तो 6 मंथ के लिए हर महीना जो EMI आने वाला है वो है 4,500 रुपीज़ अप्रॉक्स आपको 6 महीने के लिए हर महीने EMI आने वाला है। और इसका ऑल जो प्रोसेसिंग चार्जेस वगैरह जो है सब मिला के जो एक्स्ट्रा लग रहा है वो है नियर अबाउट आपका 3,700 रुपीज़ अप्रॉक्स आपका प्रोसेसिंग फी, स्टैम्प चार्जेस वगैरह जो चार्जेस रहता है एक्स्ट्रा जो है आपका लगभग 3,700 रुपीज़ एक्स्ट्रा लग रहा है। बाकी इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो टोटली 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और ये जो मैं फाइनेंस स्कीम बता रहा हूँ ये बजाज फाइनेंस का स्कीम मैं बता रहा हूँ, और इसी में सिर्फ आपको ये 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला स्कीम मिलेगा। उसके बाद 6.55 रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला स्कीम भी मैं आपको मेंशन करूँगा, तो वो जो है आपको बजाज फाइनेंस पे भी मिलेगा। और आप अगर लगभग 55,000 डाउन पेमेंट करते हो उसके लिए आपको 1 साल तक
फिनेंस के मिल जाएगा उसके ऊपर, मतलब 55,000 आप अगर डाउन पेमेंट करते हो तो आप एक साल तक इसका फाइनेंस आप ले सकते हो। तो 12 महीने के लिए आपको जो हर महीने ईएमआई आने वाला है वो है 2,750 रुपीज़ अप्रोक्स आपको 12 महीने के लिए हर महीने ईएमआई आने वाला है। और इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 0%, मतलब कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है। और इसके लिए आपको जो प्रोसेसिंग फ़ी वगैरह जो लगेगा वो है एक्स्ट्रा जो लग रहा है वो है 5,553 रुपीस अप्रोक्स। इसके बाद में जो लास्ट स्कीम बताने जा रहा हूँ वो है 6.55% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपका कितना ईएमआई वगैरह आएगा और क्या डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसके लिए 6.55 पे आपको लेने के लिए लगभग 33,358 रुपीस आपको डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। 33,358 रुपीस को डाउन पेमेंट करने से आपको ये बाइक मिल जाएगा। तो इसके लिए जो है आपको 11 महीना का स्कीम लेना पड़ेगा, क्योंकि 11 ये मैक्स टू जाता है 36 महीने तक, लेकिन आप जितना मंथ बढ़ाओगे तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो सबसे लो जो है 11 महीने का ही आपको मिलेगा, पर मंथ ईएमआई जो आएगा 11 मंथ तक वो है लगभग 5,300 रुपीस अप्रोक्स आपको हर महीना ईएमआई आने वाला है। और इसके लिए जो डॉक्यूमेंट वगैरह लगेगा वो है वोटर कार्ड, आधार कार्ड, बेसिकली आपका केवाईसी जो है वही आपको लगेगा, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और आपका एक बैंक स्टेटमेंट लगेगा जिस बैंक से आपका ट्रांजैक्शन होता है, जो बैंक से आपका पैसा जो हो कटने वाला है वो बैंक का डिटेल्स आपको यहाँ पे लगेगा। एटीएम कार्ड वगैरह आप कैरी कर लेना, और फोटो अभी डिजिटली उठाया जाता है। और इसको छोड़ के आपको अगर कोई भी फिनेंस स्कीम जानना है, आप अगर वेस्ट बंगाल के रहने वाले हो तो डेफिनेटली आप रोल्टा बाजार कोलकाता में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। शोरूम का ऑल डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बाकी गाइस बोलिए आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इसका वॉकअराउंड देखने के लिए आप जरूर आई बटन चेकआउट कर सकते हो। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग सेफ रहे, टाटा गाइस, बाय।